हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका बायोलॉजी लवर सब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2023 में रिलीज हुआ है सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस तो पढ़ेंगे ही, साथ ही में उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें आपको सॉल्यूशन के साथ सैम्पल पेपर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह है हमारा सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 में जो रिलीज हुआ है क्लास 12 बायोलॉजी का। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स का है? हमारा 70 मार्क्स का है। इसके लिए हमें 3 आवर्स का टाइम प्रोवाइड किया है। तो आप जब इसे सॉल्व करें, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा ये सैंपल पेपर मन से सॉल्व करना है। उसके लिए अपने आपको 3 घंटे देने हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। ठीक है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? एन इनफर्टाइल कपल वॉज एडवाइज टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बाय द डॉक्टर। ठीक है, एक इनफर्टाइल कपल था। ठीक है, तो उन्हें क्या बोला डॉक्टर ने कि आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाओ। ठीक है, आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेज फॉर ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब फॉर द सक्सेसफुल रिजल्ट। तो अब ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेज फाइंड आउट करनी है कि किस स्टेज पे हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कि वो जो हमारा स्पर्म और ओवम जो फ्यूज हुआ है, फिर उसके बाद जो हमारा जायगॉट बना, तो जायगॉट की किस स्टेज पे हमने उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करा। ठीक है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन में यही होता है ना कि हम ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, या फिर हम किसी भी दूसरे मीडियम प्रोवाइड करके उसे फर्टिलाइज करवाते हैं, फिर वो जो जायगॉट बनता है उसे हम मतलब किसी टेक्निक के थ्रू, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू हम फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो वो किस स्टेज पे हम फेलोपियन ट्यूब में उसे डालते हैं? तो हम देख, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए जायगॉट ओनली, बी जायगॉट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, एंड सी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो आप गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस स्टेज पे हम ट्रांसफ़र करेंगे उसे फेलोपियन ट्यूब में? तो हम ट्रांसफ़र करेंगे बी जायगॉट और अर्ली, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। जस्ट अ सेकेंड, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है? गिवन बिलो आर 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट मेथ। अब यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखी है और यहाँ पे उनके मोड ऑफ एक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें करेक्ट मैच करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्डम, तो कॉन्डम के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? ओवम नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, ये करेक्ट आंसर है हमारा, क्योंकि कॉन्डम हमारे स्पर्म को सर्विक्स तक पहुंचने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्डम का हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स। ठीक है, अब सेकेंड पढ़ लेते हैं हम। सेकेंड क्या है? वासेक्टोमी। वासेक्टोमी में क्या होता है? ओवम नॉट एबल टू रीच फेलोपियन ट्यूब, ये नहीं हो सकता इसका। ठीक है, प्रिवेंट ओव्यूलेशन बिल्कुल गलत। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हट चुका है। देन लास्ट ऑप्शन बचता है हमारा, सीमन कंटेन्स नो स्पर्म, तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट मैच होगा हमारा वासेक्टोमी का, सीमन कंटेन्स नो स्पर्म, तो इसमें जो सीमन होता है उसमें स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि इसमें वासेक्टोमी हो चुकी है। ठीक है, वासेक्टोमी में क्या होता है? हमारा जो वासा फ्रेंच है उसको कट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म नहीं, मतलब स्पर्म नहीं जा पाए सीमन के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी में क्या है? पिल। पिल के लिए करेक्ट क्या होगा? ओवम नॉट एबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब, प्रिवेंट ओव्यूलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिवेंट ओव्यूलेशन, क्योंकि पिल्स से हम ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारा बचा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का आंसर होगा ये फर्स्ट वाला, ओवम नॉट एबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो हमारा देख लेते हैं, ए का थर्ड हमें सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है,
दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर. सी का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व हो गया. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड रेसिड्यूज विल कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोन कोर. अब इनमें से कौन सा अमीनो एसिड रेसिड्यू है जिसके अंदर हिस्टोन कोर पाया जाता है, मतलब हिस्टोन कोर जिससे वो अराउंड सराउंड होता है वो क्या होता है. ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ. इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए. देखिए आर्जिनिन तो प्रेजेंट होता ही होता है, बट साथ ही लाइसिन भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ अ. अब इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस क्या होता है, तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जो मैकेनिज्म होता है हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स का. अब एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है पर उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है. ठीक है, अब जो सेम स्पीशीज के ही एक ही जगह पर रहने लग जाए और वो सेम बिहेवियर अगर शो कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, उसे कन्वर्जेंस बोलेंगे. तो इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज अ डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टरीज. तो मैंने जैसा कि बताया कि उनका सेट ऑफ फंक्शंस जो होगा वो सेम होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉमन सेट ऑफ फंक्शंस इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टरीज. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोल रहा है, एपिस मेलिफेरा वॉज किलर बी पजेसिंग टॉक्सिक बी वेनम. अब एक किलर बी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एपिस मेलिफेरा. उसके अंदर किस क्या पाया जाता है, टॉक्सिक बी वेनम पाया जाता है. ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रीटमेंट को और टाइप ऑफ इम्यूनिटी को जो कि डेवलप हो होती है फ्रॉम द गिवन टेबल टू ट्रीट अ पर्सन अगेंस्ट द वेनम ऑफ दिस बी. तो हमें ट्रीटमेंट और उसका रेमेडी बतानी है. ठीक है, कि उसे हम किस पर्सन को, अगर वो वेनम हो गया है बी का, वेनम मतलब बी ने उसने वेनम से इन्फेक्ट कर दिया है किसी भी पर्सन को, तो हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे. ठीक है, तो उसकी रेमेडी बतानी है हमें. तो हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो होता है वेनम, वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी पड़ती है हमारी बॉडीज को. तो हमारी बॉडी के मतलब वो जो होगी जो ट्रीटमेंट होगा उसमें हम प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज देंगे पर्सन को. अब हम ऐसा तो नहीं है कि वेनम आया फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो इतने में तो वो पूरा बॉडी में फैल जाएगा वेनम. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज पर्सन को प्रोवाइड करते हैं. और इसको प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज किसका एग्जांपल है, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है. ठीक है, यहाँ पे पैसिव क्यों बोला, क्योंकि हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज दी है पर्सन को. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो कि एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, इंटरफेरॉन्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन मेकिंग नॉन इन्फेक्टेड सेल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन ह्यूमंस. अब जो इंटरफेरॉन्स है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल रेजिस्टेंस के, मतलब रेजिस्टेंट सेल्स बनाने में. ठीक है, तो हमारे इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो कि एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स बोलते हैं. ठीक है, तो अब इंटरफेरॉन्स में हमें कौन, मतलब इनमें से कौन सी डिजीज है जो कि हमें देखने को मिलती है जो कि इंटरफेरॉन्स के द्वारा मतलब वो होती है. ठीक है, तो वो किससे होती है, एस्केरिस, रिंगवर्म, अमीबियासिस एंड डी एड्स. तो एड्स जो है हमारी वायरल डिजीज है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एड्स. आई होप आपको अभी तक के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो जल्दी से लाइक के बटन को दबा दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए. ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन से. अब हमारा क्वेश्चन सेवन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल इन द टेबल गिवन बिलो विल हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब यहाँ पे कुछ वाटर सैंपल्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वाटर का सैंपल है जिसमें हमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा, डायरेक्ट बता देती हूँ मैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, जिसमें हमें लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी हाई मिलेगा और वैल्यू ऑफ बीओडी भी हाई होगा. अब ऐसा क्यों, क्योंकि जिसमें लेवल ऑफ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड,
तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? ऑक्सीजन की डिमांड जो कि हमारे बायोलॉजिकल यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको चाहिए, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा उतना ही उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू भी जब हाई होगी और लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी जब हाई होगा तो ऐसे वाटर सैंपल में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप कुछ आपको सब समझ आ रहा है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? द फिगर गिवन बिलो शोज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मिड। हमारा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फॉरन डीएनए वॉज लिगेटेड, डीएनए वॉज लिगेटेड एट बैम एच वन साइट, ठीक है। तो ये हमारे बैम एच वन साइट है, ये वाली जो पिंक वाली दिखाई दे रही है, ठीक है, बैम एच वन। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक फॉरन डीएनए को क्या किया, इंसर्ट कर दिया, लिगेट कर दिया, मतलब कि बैम एच वन को यहाँ से कट किया और हमारा फॉरन डीएनए यानी कि फॉरन जीन हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। देखो जैसे कि ये यहाँ पे हमने ये रुकिए डार्क कलर से शो करती हूँ, ये यहाँ पे हमने हमारा फॉरन डीएनए यहाँ पे बैम एच वन साइट पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे बैम एच वन साइट से हमने इसको क्या किया है, कट किया है, ठीक है। यहाँ से हमने कट किया और हमारा फॉरन जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ द ट्रांसफॉर्मेंट्स वर देन ग्रोन इन द मीडियम कंटेनिंग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन। चूज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज फ्रॉम द गिवन टेबल। चलिए तो हमने यहाँ पे बैम एच वन साइड से इसे कट किया विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। फिर हमने हमारे डिजायर्ड जीन यहाँ पे इंसर्ट किया। तो हमने फिर इसे क्या किया कि एक जैसे कि एक मीडियम था, ठीक है, उसमें हमने ई कोलाय है, ठीक है, ई कोलाय ले लिया लेट से। तो चलिए इससे मैं इससे बता देती हूँ, ये हमारा है ई कोलाय, ठीक है। ई कोलाय के अंदर हमने क्या किया, ये जो हमारा प्लाज्मिड था इसे ट्रांसफ़र करवाया। अभी हमारे प्लाज्मिड के अंदर हमारा ये जो डिज़ायर्ड जीन है ये अभी प्रेजेंट है जो हमने काट के लगा दिया, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में हमने जब इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हमारे डिज़ायर्ड जीन, तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इस स्टेज को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन के बाद कौन सी स्टेज होती है जिसमें हमने इसे क्या किया, मीडियम प्रोवाइड कर दिया, तो इसने क्या किया, डिवीजन स्टार्ट कर दिया, इस प्लाज्मिड ने डिवाइड किया और प्लाज्मिड बहुत सारे प्लाज्मिड यहाँ पे बन गए। अब यहाँ प्लाज्मिड डिवाइड हुआ है तो हमारा डिजायर्ड जीन भी मतलब डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें सब में हमारा डिजायर्ड जीन देखने को मिला। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने, ये है हमारा ई कोलाय, ठीक है, ये हमारा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, वेक्टर होता है, एक तरह का वेक्टर होता है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बहुत सारे प्लाज्मिड में डिवाइड हो गया, तो ये जब डिवाइड हुआ इस स्टेज को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और ये जो हमारे नए जो प्लाज्मिड बने ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे हमारे ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो हमारे ट्रांसफॉर्मेंट बन गए। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेंट थे इनको हमने अलग अलग मीडियम में डाला। तो मीडियम विथ, हमने दो मीडियम लिए, एक मीडियम था मीडियम विथ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक था मीडियम विथ एम्पिसिलिन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, TTR का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यानी कि ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट है, यानी कि अगर हम यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन जीन डालेंगे तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे उसके खिलाफ रेजिस्टेंट जीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, अगर इस साइड पे हम एम्पिसिलिन डालेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, मतलब कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे उसके खिलाफ रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। अब हमने जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी तो वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट थी पहले, पर अब हमने हमारा डिजायर्ड जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो ये अब रेजिस्टेंट नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंट नहीं बचा है क्योंकि यहाँ पे हमने हमारा डिजायर्ड जीन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ग्रो करवाएंगे। ये जो हमारा ये प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को हम एक तो सबसे पहले डालेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में और फिर डालेंगे एम्पिसिलिन मीडियम में। तो हम क्या देखेंगे कि जो इसका इसमें जो पहले, अगर यहाँ पे हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी टेट्रासाइक्लिन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे
अगर हम पहले डालते जब यहाँ पे डिजायर्ड जीन नहीं था, तब अगर हम यहाँ पे इसमें देखते तो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती, पर क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा डिजायर्ड जीन डाल दिया तो रेजिस्टेंट नहीं बचा है टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे एम्पिसिलिन में हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा जिसमें नो ग्रोथ इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड ग्रोथ इन एम्पिसिलिन, ठीक है, मीडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9th क्या बोल रहा है, स्वाति वॉज ग्रोइंग अ बैक्टीरियल कॉलोनी इन अ कल्चर फ्लास्क अंडर आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन। अब स्वाति है, उसने क्या किया, बैक्टीरियल कॉलोनीज को ग्रो करवाया कल्चर फ्लास्क के अंदर, और उसको आइडियल लेबोरेटरी कंडीशन भी प्रोवाइड की जो जो उसे ग्रोथ करने के लिए चाहिए बैक्टीरियल कॉलोनीज को, ठीक है। वेयर द रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश, सारे रिसोर्सेज उसे दिए जिससे कि वो कॉलोनी ग्रो हो पाए बैक्टीरिया की। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द ग्रोथ इन द केस, तो इसमें से कौन सी ऐसी होगी, तो मतलब कौन सा ग्रोथ कर्व की इक्वेशन होगी हमें ये बताना है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज है वो एन है, बर्थ रेट बी है, डेथ रेट डी है, यूनिट टाइम पीरियड टी है, एंड कैरिंग कैपेसिटी है हमारी के। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा ग्रोथ इक्वेशन कर्व में, तो हमारा ग्रोथ इक्वेशन कर्व में क्या बोल, ये आप फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारी ये जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ग्रोथ कर्व की इक्वेशन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन 10th क्या बोल रहा है, सी एनिमल गेट अटैच्ड टू द सर्फेस ऑफ हर्मिट क्रैब, द काइंड ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इनहिबिटेड इन दिस केस। अब देखो जो सी एनिमल होता है, सी एनिमल क्या करता है कि उसके हर्मिट क्रैब के सरफेस पे अटैच हो जाता है, तो जो सी एनिमल होता है वो चल नहीं सकता, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो हर्मिट क्रैब के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो हर्मिट क्रैब मोबाइल है यानी कि वो चल सकता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि हर्मिट क्रैब के ऊपर ही घूमता है, मतलब उसके ऊपर बैठ के। तो अब ये किस तरह का हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमारा ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है, जल्दी से गैस करके बताइए आप। तो चलिए मैं बता देती हूँ, उसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी कमेंसलिज्म, ठीक है। अब कमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें कमेंसलिज्म ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो तो वो क्या होगा, बेनिफिटेड होगा, ठीक है, बेनिफिटेड होगा, और जो दूसरा अदर ऑर्गेनिज्म होगा वो नीदर बेनिफिट, उसको ना तो बेनिफिट होगा और ना ही हार्म होगा, नॉन हार्म। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सी एनिमल है इसको तो बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उसे चलने को मिल रहा है, इधर उधर जा सकता है वो हर्मिट क्रैब के ऊपर बैठ के, पर हर्मिट क्रैब को यहाँ पे ना तो कुछ बेनिफिट हो रहा है ना ही कुछ हार्म हो रहा है, यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो उसके ऊपर अगर उसके ऊपर ये सी एनिमल बैठ भी जाए तो, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका कमेंसलिज्म होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज अ मेजर कॉन्डुइट फॉर द एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम रिस्पेक्टिवली। अब इनमें से कौन सा फूड चेन होगा जिससे कि हम एनर्जी का फ्लो देख पाएंगे टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे दे रखा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारी फूड चेन कौन सी होगी, डेट्रिटस वाली होगी, और यहाँ पे इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा ग्रेजिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी डेट्रिटस एंड ग्रेजिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स ई टू कंजर्वेशन। अब एक्स ई टू का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि कोई भी जंगल है उससे जंगल से बाहर ले जाते हैं हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को और वहाँ पे उसे क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स सी टू कंजर्वेशन बोलते हैं। तो हम एक्स सी टू कंजर्वेशन किस मतलब एक्स सी टू का कंजर्वेशन का एग्जाम्पल बताना है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सेक्रेट ग्रूव्स, बी नेशनल पार्क, सी बायोस्फीयर रिजर्व एंड डी सीड बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सीड बैंक, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक के जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें असर्शन ए से डिनोट किया है और रीजन को आर से डिनोट किया है।
अब हमें ये जो ऑप्शंस है ये हमें सारे क्वेश्चन के लिए कॉमन ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में असर्शन क्या दे रखा है? असर्शन है हमारा, एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। जो एपोमेक्टिक एम्ब्रियो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के। अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। अब एपोमिक्सिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो हमारा ये तो बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। तो क्या ये रीज़न हमारा असर्शन के लिए करेक्ट रीज़न है? तो बिल्कुल सही, हमारा जो असर्शन है और रीज़न है दोनों ही ट्रू है। पर और जो रीज़न है, रीज़न करेक्ट रीज़न है असर्शन के लिए हमारा ये वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोथ ए एंड आर यानी कि असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 में क्या दे रखा है? असर्शन, व्हेन व्हाइट आइड येलो बॉडी ड्रायोफिलिया मेल वर हाइब्रिडाइज्ड विद रेड आइड, यानी कि जो व्हाइट आइड येलो बॉडी, व्हाइट आइड जो व्हाइट है पर बॉडी येलो कलर की है ड्रोसोफिलिया की, ठीक है, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था पहले, ड्रोसोफिलिया फीमेल की, उसे हमने हाइब्रिडाइज कराया रेड आइड और ब्राउन बॉडी मेल के साथ, ठीक है। तो हमें जो F1 प्रोजेनी मिली, मतलब F1 प्रोजेनी को जब हमने इंटरक्रॉस करवाया तो F2 रेशो डेविएटेड फ्रॉम 9:3:3:1, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है? व्हेन टू जीन्स ऑफ अ डाई हाइब्रिड आर ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स द प्रोपोर्शनल ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया है जिसके अंदर सेम क्रोमोसोम्स भी थे और जो प्रपोर्शन था हमारा पेरेंटल जीन का वो उसका जो कॉम्बिनेशन था वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, इसका भी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोथ ए असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, दोनों ही असर्शन और रीज़न ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? असर्शन, ठीक है। द फंक्शनल ADA cDNA जीन मस्ट बी इंसर्टेड इन द लिम्फोसाइट्स एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसका रीज़न है सेल्स इज इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज आर मॉर्टल एंड डिफ्रेंशिएटेड एंड ईजी टू मैनिपुलेट, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे असर्शन है, असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है पर जो रीज़न है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, यानी कि रीज़न क्या है? फॉल्स है। तो यहीं से हमें समझ आ जाता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो यहाँ पे सी में क्या है? ये वाला असर्शन तो ट्रू है पर जो रीज़न है इसका वो गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? गिवन बिलो इज द एज पिरामिड ऑफ द पॉपुलेशन इन वन ऑफ द स्टेज ऑफ इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस, ठीक है, 2011 सेंसस। तो यहाँ पे एज पिरामिड दे रखा है पॉपुलेशन का, एक कोई भी एक स्टेट है इंडिया की उसका, और किसके अकॉर्डिंग है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है यहाँ पे हमारे डाटा गिवन है, ठीक है। इट डिपिक्ट्स द मेल पॉपुलेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे मेल पॉपुलेशन लेफ्ट हैंड साइड है और राइट में है फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ न्यू बॉर्न्स टूवर्ड द बेस एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज ग्रुप्स एज वी मूव फ्रॉम बेस टू टॉप, ठीक है। बेस से टॉप तक हम जाएंगे तो हमें ग्रेजुअल एज की इंक्रीज देखने को मिल रही है, ठीक है। विद द ओल्डेस्ट पॉपुलेशन ऑन द टॉप, सबसे ओल्ड पीपल यहाँ पे टॉप पे है और जो चाइल्ड यानी कि जो इन्फेंट रेट है वो हमारी नीचे दे रखी है, ठीक है। विद द ओल्डेस्ट ऑन द टॉप स्टडी द पिरामिड, इस पिरामिड को स्टडी करना है, कमेंट करना है ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द असर्शन एंड रीज़न। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि इट इज़ अ स्टेबल पॉपुलेशन, क्या ये स्टेबल पॉपुलेशन है? तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो तो ज़्यादा है पर डेथ रेट यहाँ पे कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये है हमारी स्टेबल पॉपुलेशन।
ठीक है, इसका रीजन क्या है? द प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोस्ट इन ऑलमोस्ट इन इक्वल। जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव है वो हमारे ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स में, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है रिलेटिवली फ्यूअर, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिवली रिप्रोडक्टिव है वो कम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा असर्शन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या आया है कि देखिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। तो अब इसके नेक्स्ट सेक्शन बी से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो इस पूरी जो PDF की लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको इसके आंसर्स भी बता देती हूँ, ये तो हमारे क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड आंसर प्रॉपर मैंने दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से हमने छोड़ा था और क्वेश्चन 17 से यहाँ पे हमारा दे रखा है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी गिवन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 19, इस तरह से आपको पूरे 33 क्वेश्चंस अलग अलग जो चॉइस गिवन है वो भी चॉइस के भी आंसर्स मैंने उसमें दे रखे हैं सारे, मतलब देखा जाए तो सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।